हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम क्लियर फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट में, यानी गूगल का जो एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम कैसे क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ये सारी बातें हम सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखिए ये मैंने फॉर्मेटिंग लगा रखी। एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें शॉर्टकट की होती है जो हम एमएस वर्ड में शॉर्टकट की यूज करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट दबाते हैं और शिफ्ट के साथ हम दबाते हैं ग्रेटर देन बटन। तो ये जो शॉर्टकट की है वो यूज करी जाती है फॉन्ट के साइज को ग्रो कराने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये शॉर्टकट की हम यूज करके देखेंगे, इसको मैं अलग कलर में देख सकते हैं। ये शॉर्टकट की हम यूज करेंगे और पहले हम क्लियर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। तो देखिए इस पे फॉर्मेटिंग लगी हुई है। कैसी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, पहले हम इसकी साइज बढ़ाते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन आपको दबाना है, जैसा कि आपने देखा कि इसकी साइज इंक्रीज हो रही है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन दबाने से। तो यहां पर भी सेम शॉर्टकट की है, तो शॉर्टकट की का कोई इसमें इशू नहीं है। अब यहां पर हमें देखना है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो एमएस वर्ड में भी क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन होता है, लेकिन यहां पर जो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है उसके लिए एक शॉर्टकट की बनाई गई है, और वो शॉर्टकट की है मैं यहां पर लिखता हूं, शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ बैकस्लैश आपको दबाना है। कंट्रोल के साथ आपको बैकस्लैश दबाना है, यहां पर देख सकते हैं आप, ये बैकस्लैश वाला बटन है, कंट्रोल के साथ आपको दबाना है इसको, तो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी आइए देखते हैं। यहां पर हमने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है, और कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना है, बैकस्लैश। तो हम यहां कंट्रोल प्रेस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके बाद हम प्रेस करेंगे बैकस्लैश। जैसे ही प्रेस किया हमने तो इसका वास्तविक रूप जो है आ गया है, यानी पहले बाय डिफॉल्ट जिस फॉर्म में होता है वो फॉर्म यहां पे आ चुकी है इसकी, ठीक है। मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूं ये पहले कैसा दिख रहा था, और फिर यहां पे कंट्रोल वाई प्रेस करता हूं ताकि हम लोग एक स्टेप आगे जा सकें। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि ये इस फॉर्म में था, ठीक है, जब हमने फॉर्मेटिंग लगाई तो ये इस फॉर्म में आ गया। अभी हमें फॉर्मेटिंग हटानी है, इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, तो कंट्रोल के साथ आपको सिर्फ दबाना है बैकस्लैश। यहां जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ बैकस्लैश प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि इसका रूप जो है चेंज हो गया, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप राइट लेफ्ट अलाइनमेंट भी करना चाहते हैं इसमें, तो कंट्रोल के साथ आर दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे ये राइट लेफ्ट अलाइनमेंट वाला बटन इसमें काम नहीं करेगा कंट्रोल के साथ। जैसे ही आप आर प्रेस करोगे, जैसे अभी मैं इसको पहले सिलेक्शन में लेता हूं, ये हमने सिलेक्शन में लिया इसको, अब कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं, तो आर प्रेस करने के साथ ये बटन इसमें काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, और सेलेक्ट करने के साथ जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो ये राइट साइड में नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट और तब आर दबाना होगा, तब ये राइट साइड में मूव कर जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ शिफ्ट देन आर प्रेस करना है आपको। तो चलिए आर प्रेस करते हैं, और ये देखिए राइट साइड की तरफ ये मूव कर चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी कि ये राइट साइड की तरफ कैसे मूव कर रहा है, शॉर्टकट की क्या होती है। अब इसको लेफ्ट में मूव कराना है तो यही कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर दीजिए आप, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करते ही ये मिडिल में, यानी कि सेंटर में चला जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों शॉर्टकट की काम कर रही है। और जस्टिफाई कैसे होगा, ये कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि वापस से जिधर इसको होना चाहिए उस साइड में ये चला जाता है। ये जो है गूगल डॉक्यूमेंट में, गूगल का जो एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर है इसमें ये शॉर्टकट की है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, यहां से यहां पे क्लिक करेंगे तो ये शेयर भी कर सकते हैं आप इसको, आप इसको नाम दे सकते हैं शेयर करने के पहले। मैं इसको नाम दे देता हूं शॉर्टकट की, शॉर्टकट की। आप इसको ईमेल पे शेयर कर सकते हैं, तो यहां पे आप ये पूछ रहा है ईमेल, तो यहां पे ईमेल कोई भी दे सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने यही ईमेल एड्रेस दे दिया और नोट लिख दिया, This is the note of shortcut key in Google Doc. Okay? और अब हमने इसको सेंड कर दिया तो ये ईमेल पे चला जाएगा, और आप ईमेल से इसको खोल करके देख सकते हैं।
इस तरह से हम डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके अलावा आप जो जनरल तरीके से यूज करते हैं एमएस वर्ड में जो चीजें यूज करते हैं वो सारी चीजें इसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल बी प्रेस करने से बोल्ड हो जाएगा ये, कंट्रोल आई प्रेस करने से इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू प्रेस करने से ये अंडरलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके आगे भी हम बात करेंगे इसमें शॉर्टकट की इसकी। फिलहाल ये वीडियो इन्हीं सब के लिए था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।